फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे होम स्टाइल चिकन दम बिरयानी। उसके लिए हमें ऑयल डालना है हंडी में, फिर उसके बाद थोड़ा खड़ा गरम मसाला डालना है इसमें। ये थोड़ा अच्छी तरह से थोड़ा ब्राउन हो जाए। ब्राउन हो जाने के बाद इसमें हम स्लाइस कटा हुआ बारीक ऑनियन प्याज डालेंगे, तो अच्छे तरह से फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर देंगे। कटी हुए मिर्च डाल देंगे, हरी लेमन ऐड करेंगे। अब टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे स्पाइसी के अनुसार, थोड़ा जीरा पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर मिक्स करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। मसाला जल ना जाए इसके लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से पक गया है, अच्छी तरह से पक गया है, तो इसमें हम ना कटे हुए चिकन ऐड करेंगे। इसको 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। इसे आप अपने घर पे भी पका सकते हैं चिकन बिरयानी। देखिए दोस्तों, चिकन ऑलमोस्ट पक गया है। थोड़ा इसमें हम पुदीने का पत्ता ऐड कर देंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। और हमने चावल ली है 1 केजी और चिकन लिया है 500 ग्राम आधा केजी। अब क्या करेंगे, राइस को भी इसी में मिक्स कर देंगे। इस तरीके से इसको राइस को मिक्स करेंगे और राइस को जब तक हाफ बॉइल यानी आधा नहीं पक जाए जब तक ऐसे ही इसको पकाना है। ली चिकन हाफ और राइस हाफ कुकड हो चुका है, इसको इस तरह से तवे के ऊपर रख लेना है। उसके बाद हम इसको इस टाइप से कवर कर देंगे। आप चाहे तो कपड़ा से भी कर सकते हैं, आपके पास साफ कॉटन कपड़ा है उसे कर सकते हैं। मेरे पास अभी कपड़ा अवेलेबल नहीं है, इसके लिए मैं इस सिल्वर रैप से रैप कर देता हूँ। अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे ताकि इसका जो वाष्प है वो बाहर ना निकल सके। इसको ऐसे रैप कर लें, कवर कर लें एकदम, ताकि इसका वाष्प बाहर ना निकल सके।
बाद इसको इस टाइप से 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि चावल और चिकन पूरी अच्छी तरह से पक जाए। अच्छी तरह से इसके ऊपर थोड़ा वजन कुछ रख दें ताकि उसका बाष्प बना रहे और फ्लेम को एकदम धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट तक इसको पकाए। बिरयानी देखिए दोस्तों बनके रेडी है। दम लगा है, थोड़ा चेक करना पड़ेगा। दो पीस अंडा बोल गया हुआ था और अभी 10 पीस कर रहे हैं, 12 पीस हो जाएगा। बिरयानी रेडी, चेक करना है किस तरह बिरयानी बना है, कैसा दिख रहा है। इस तरीके से आप अपने घर पे चिकन का दम बिरयानी बना सकते हैं और खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास